चलिए इस वक्त की खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है और आज 22 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उत्तराखंड की स्थापना के। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और जब 22 वर्ष पूरे हुए हैं और इस 22 वर्ष के पूर्ण होने पर पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। हालांकि पूरे उत्तराखंड में अलग अलग कार्यक्रम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, अगर इसकी बात करें तो पुलिस लाइन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी प्रदेशवासियों को प्रदेश को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड राज्य का आज स्थापना दिवस है और इस अवसर पर सीएम धामी जो है कार्यक्रम में तो शिरकत करेंगे ही, साथ ही प्रदेशवासियों को संबोधित भी करेंगे। और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के 22 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो आज कई सारे कार्यक्रम आज यहाँ पर किए जा रहे हैं क्योंकि 22 साल पूरे हुए हैं उत्तराखंड की स्थापना के। तो जाहिर सी बात है कि पूरे ही प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो पुलिस लाइन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी प्रदेशवासियों को प्रदेश को संबोधित करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, और साथ ही जो है प्रदेश को संबोधित यहाँ पर करेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य की आज स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं। आज उत्तराखंड 22 वर्ष पूरे कर चुका है अपनी स्थापना के। 22 साल का कह सकते हैं कि एक तरीके से उत्तराखंड राज्य हो गया है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वासी भी काफी उत्साहित हैं आज, क्योंकि कई सारे कार्यक्रम होने हैं। अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी की पुलिस लाइन में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर पुष्कर सिंह धामी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। साथ ही इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश जी, आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस का 22वां वर्ष है, यानी कि 22 साल पूरे हो गए हैं। और अगर हम सबसे पहले बात की जाए कौन कौन से आज कार्यक्रम कहाँ कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं, और खासतौर से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्योंकि संबोधित करने वाले हैं देहरादून के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर किया गया है, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए पूनम, अगर बात करें आज राज्य जो है यहाँ पे 22 वर्ष का पूरा हो गया है, इसको लेके आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और इसका जो पुष्कर सिंह धामी है वो लगातार यहाँ पे सुबह से कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। सुबह वो शहीद स्थल पे पहुंचे थे क्योंकि जो शहीद है उनका यहाँ पे आंदोलन में जो है बड़ा योगदान रहा है। राज्य उन्हीं के बलबूते पे यहाँ पे बना था, उनका कहना था कि ये जो शहीद है उनका बाकायदा जो है उन्होंने संवेदना प्रकट की जो शहीद हो गए थे, और बाकायदा जो उनके कार्य के लिए जो उनकी मांगे हैं उनको विकास के लिए आगे बढ़ाने की बात की गई है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में यहाँ पे वो पुलिस लाइन पहुंचने वाले हैं, जहाँ 10 बजे जो है यहाँ पे प्रोग्राम शुरू होने वाला है। पहले पुलिस परेड होगी, सम्मानित किया जाएगा जो पुलिस कर्मी है, उसके बाद यहाँ पर जो है सलामी दी जाएगी पुलिस की। बात जो है लगभग 10:30 बजे के लिए पुष्कर सिंह धामी जो है यहाँ पे संबोधन करेंगे। जी बिल्कुल अवनीश जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड 22 साल पूरे कर चुका है अपनी स्थापना की, अगर हम 22 सालों का जो है इतिहास देखें पूरा उत्तराखंड का, पिछला इन 22 सालों में कितना बदलाव उत्तराखंड में हुआ है, क्या कुछ विकास कार्य वहां पर हुए, क्या कुछ तस्वीर पहले से अब तक की बदली उत्तराखंड की, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल, देखिए पूनम, अगर बात करें 22 वर्षों की, पिछले 22 वर्षों का इतिहास यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पे जो है उन्नति हुई है, विकास जो है यहाँ पे लगातार अक्सर होता रहा है। और हालांकि ये बात जरूर है कि यहाँ पे 22 वर्षों में कई मुख्यमंत्री बदले गए, एक एक बार में 5-6 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, लगातार भाजपा के ऊपर आरोप भी लगता रहा। परंतु अगर बात करें अब युवा नेतृत्व की, हाल फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे जो है कार्य कर रहे हैं और एक छवि उनकी जो है यहाँ पे खास करके युवा वर्ग के अंदर देखी जा रही है, वो अपने में जो है बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और अगर आने वाले समय की हम बात करें, अब जैसे पुष्कर सिंह धामी सीएम जो हैं लगातार प्रयासरत हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, और हम देख भी रहे हैं नित नए प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं कि उत्तराखंड का विकास हो। पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीर्थ स्थल वहाँ पर कई सारे हैं। अगर आने वाले समय में तो क्या कुछ योजनाएं आप चलाई जा रही है जिससे उत्तराखंड का और ज्यादा यहाँ पर विकास हो सके? देखिए पूनम, यहाँ पे अगर बात करें पर्यटन जो है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से पर्यटन यहाँ पे काफी जो है बढ़ावा रहा है, पर्यटन की एक यहाँ पे एक अहम भूमिका रही है। और राजस्व की बात करें तो पर्यटन से जो है काफी यहाँ पे राजस्व जो है मिलता रहता है, इसको लेके लगातार क्योंकि यहाँ पर जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने लगातार हर विभाग के लिए काम किया है, और जो विकास की तरक्की के लिए यहाँ पे जो युवा वर्ग की बात हो चाहे सब की बात हो उसके लिए हमेशा निर्णय लेते रहे हैं। जी
बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमेशा निर्णय लेते हैं। और अगर हम बात करें खासतौर से देहरादून की, जिस तरीके से आपने बात की, पुलिस लाइन में आज कार्यक्रम रखा गया, मुख्य कार्यक्रम वहां पर है। इसके अलावा अगर हम जिलों की बात करें, तहसीलों की बात करें, तो क्या जिले स्तर और तहसील स्तर पर भी क्या प्रोग्राम और कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे सभी अगर बात करें, यहाँ पर हाल फिलहाल जो बात हुई थी, हमारी भी पिछले दिनों बात हुई थी, तो पुष्कर सिंह धामी जी ने खुद कहा था यहाँ पर भाजपा प्रदेश के जितने भी आला अधिकारी हैं वो अपने अपने जिलों में यहाँ पर जो है प्रोग्राम को कर रहे हैं। और जिस तरीके से कार्य की बात की जाए, युवा मंच की बात की जाए, सबको साथ लेकर, क्योंकि उनका कहना था पुष्कर सिंह धामी का जो मोदी जी के नेतृत्व में जो बात की, मोदी जी का जो एक सपना है तरक्की का, वो यहाँ पे जो है लगातार जो है काम कर रहे हैं। चाहे विभागों की बात हो, भ्रष्ट नेताओं की बात हो, उनके ऊपर गाज जरूर गिराई जा रही है और कार्यवाही भी की जा रही है। और जहाँ पदोन्नति की बात है, लोगों को जो है यहाँ पे जो है महिला आरक्षण की बात है, अभी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण पे जो है रोक लगा दी थी और सरकार ने जो है यहाँ पे एक पटिशन दाखिल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर यहाँ पर जो है जो स्टे दे दिया गया हाईकोर्ट की जो रोक को, तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर उनका कहना था कि सबका साथ लेकर मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी शुक्रिया अवनीश जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लगातार जो है उत्तराखंड के लिए काफी सारे यहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इन 22 सालों में काफी तस्वीर बदली है और आगे भी जो है ये तस्वीर लगातार बदलती नजर आएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत है उत्तराखंड के विकास को लेकर, युवाओं पर भी फोकस है सीएम धामी का, ताकि वहां पर पलायन की स्थिति किसी प्रकार की ना बने। और इसी के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से काफी पुणे उत्तराखंड राज्य और पर्यटन के क्षेत्र में काफी कुछ विकास कार्य यहां पर लगातार किए जा रहे हैं। तो आज 22 वर्ष पूरे कर चुका है उत्तराखंड राज्य जो है, और इस अवसर पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई तो दी ही है, साथ ही आज देहरादून की पुलिस लाइन में कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और साथ ही प्रदेशवासियों को संबोधित भी करेंगे।